के काल में देशभक्ति रही, संक्रमण के डर पर भारी। इंदौर उज्जैन हाईवे पर बने श्री कृष्णा एन्क्लेव कॉलोनी में रहवासियों ने हर्षोल्लास से मनाया स्वतंत्रता दिवस। जहां माता मंदिर पर महाआरती की गई, तो वहीं मंदिर परिसर में देशभक्ति का जश्न भी मनाया। झंडा वंदन हुआ, मिठाई वितरित की गई और सभी ने एक दूसरे को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आयोजन में क्या बच्चे और क्या बूढ़े बुजुर्ग, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कोरोना काल में नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस का उत्साह मनाया। आयोजन में मुख्य रूप से प्रेम प्रकाश शर्मा, महेंद्र प्रताप सिंह बाबूजी, मलखान सिंह, संजय तिवारी, प्रकाश वर्मा, जितेंद्र ठाकुर, महेंद्र मिश्रा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। 15 अगस्त का उत्सव बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया। यहाँ पर सभी श्री कृष्णा रहवासी संघ और हम गांव पंचडेरिया से भी सब आए हुए हैं। गांव के लोग मिलके सब बढ़िया तरीके से मनाया गया, बहुत अच्छा। क्या आयोजन हुआ यहाँ पे? भक्ति में पहले तो आरती हुआ और उसके बाद अपना ये झंडा वंदन का प्रोग्राम करा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बढ़िया तरीके से मनाया। मेरा नाम जितेंद्र सिंह ठाकुर। स्वतंत्रता दिवस पर आज क्या आयोजन था यहाँ पर? श्री कृष्णा इनकलब में आज हमने स्वतंत्रता दिवस का 74वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसमें समस्त रहवासी लोग यहाँ पर खड़े हुए और उन्होंने हर साल ये प्रोग्राम मनाते हैं। इस बार इसी ढंग से बनाया गया। बारिश के होने की वजह से थोड़ा जनता कम रही है, लेकिन उत्साह बहुत ज़्यादा था। कोरोना का काल चल रहा है और ऐसे में किस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया आज आपने? आज़ादी की वर्षगांठ में किस तरह, कोई रंग फीका तो नहीं रहा आज? नहीं, रंग फीका नहीं रहा, थोड़ा फर्क तो पड़ा है, लेकिन सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया और अच्छा रहा। क्या कहेंगे, कौन सी जगह है ये और कौन से कहाँ लगती है पूरी जगह? ये श्री कृष्णा इनकलब है, ग्राम पंचडेरिया में आता है ये, और ये जेल के सामने ये नई कॉलोनी है। इस कॉलोनी के बने हुए लगभग 3 साल ही हुए हैं अभी, लेकिन अच्छे रहवासी लोग यहाँ पर, जो भी लोग हैं बहुत अच्छे परिवार से हैं, अच्छे लोग हैं, संगठित हैं। आपका परिचय? मैं एक्स सूबेदार पीपी शर्मा हूँ। मैं पहले आर्मी में था, 20 साल नौकरी करने के बाद मैंने प्रीमेचर रिटायरमेंट लिया और मैंने भी यहाँ मकान बना रखा है। मेरा नाम बता दूँ। स्वतंत्रता दिवस किस तरह से मनाया गया है आपकी कॉलोनी में? हमारी कॉलोनी में स्वतंत्रता दिवस बहुत ही अच्छी सावधानी से मनाया गया, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारी कॉलोनी में कितना उत्साह है, सभी लोग मौजूद हुए हैं। इतनी बारिश भी हो रही है उसके बाद भी सब लोगों में बहुत उत्साह है स्वतंत्रता दिवस का। तो जिस तरह से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम सभी लोगों में बहुत जोश रहता है। मंदिर भी है माता जी का, हाँ, तो क्या मिला जुला सर, भक्ति और देशभक्ति दोनों साथ में दिख रही है? हाँ, क्योंकि हमारे हम जो स्वतंत्रता दिवस हमेशा बनाते हैं मंदिर प्रांगण में ही बनाते हैं, तो हमारे माता जी से जो अटैचमेंट है वो तो रह गई, और हमारी जो भारत माता से अटैचमेंट है वो भी हमारा हमेशा साथ में रहता है। तो हम दोनों चीज़ें साथ में ही सेलिब्रेट करते हैं। मंदिर में हमारी भक्ति भी रहती है और आज स्वतंत्रता दिवस है तो हम उसे भी बहुत अच्छे मन से सेलिब्रेट करते हैं। सुबह से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने मंदिर में जिस तरह से पूजा की जाती है वो किया, उसके बाद हमने स्वतंत्रता दिवस की तैयारी की है। झंडा वंदन का आप देख सकते हैं कि पूरा आयोजन किया है, लड्डू की हमने तैयारी की है, प्रसाद में हम सब लोगों को लड्डू बांटेंगे। और जिस तरह से हमने बच्चों का छोटा सा प्रोग्राम रखा था, क्योंकि कोरोना है तो सब लोग नहीं आए, बच्चों ने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया था। सभी बच्चों ने जिन बच्चों ने पोएम तैयार की थी, पोएम गाई है, कुछ बच्चों ने गाने गाए हैं, और बहुत अच्छे से बच्चों ने सेलिब्रेट किया। बच्चे बहुत उत्साह में हैं आज। अर्चना राय।